नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज हमारे एचएम न्यूज का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हो रहा है और दूसरी तरफ एक सामाजिक सेवा का मौका मिला। आज ही के दिन सांताक्रूज पूर्व गोलीबार साईनाथ चौल छठवा रास्ता के रहवासी मनोज दुबे नामक व्यक्ति को शारीरिक तकलीफ की वजह से नजदीक के VN देसाई अस्पताल में उनके परिवार द्वारा ले जाया गया। हिंद माता मिरर और एचएम न्यूज टीम की द्वारा भरपूर प्रयास कर उनको सहायता की गई। उनके स्वास्थ्य की मदद के लिए सांसद पूनम महाजन के कार्यालय से भी सहयोग मिला। मनोज दुबे उपरोक्त अस्पताल पर खफा हुए, शायद उन्हें जानकारी नहीं थी कि उपरोक्त अस्पताल में छोटे छोटे इलाज होते हैं, इमरजेंसी चिकित्सा होती है, यह कोरोना के लिए अस्पताल नहीं है। लेकिन यदि कोरोना के लक्षण दिखेंगे तो मरीज को कोरोना इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। मनोज दुबे की सहायता के लिए हमारे संवाददाता अजय शर्मा ने जब VN देसाई अस्पताल पहुंचे तब उनकी वार्ता वैद्यकीय अध्यक्ष डॉक्टर उषा शर्मा व डॉक्टर सुनील सिंधे से हुई। वह रेड पेप स्पीच करते हुए भरपूर सहायता के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा एचपुर वार्ड के सहायक आयुक्त श्री खैरनार व MOH ने भी मनोज की सहायता के लिए हाथ बढ़ाया। मनोज दुबे को फिलहाल शताब्दी अस्पताल में शिफ्ट करवाया जाएगा क्योंकि उनको कोरोना के लक्षण उनमें पाए जाने का दावा है। एचएम न्यूज़ की टीम ने उनका यह इंतजाम करवाया है। सांसद पूनम महाजन से भी मनोज के लिए सहयोग मिला है। मैडम, गोलीबार में छठे रास्ते में एक मनोज दुबे नाम के व्यक्ति हैं। रात में आरोग्य सेतु के माध्यम से उनको एम्बुलेंस में लाया गया था। उनके चेस्ट में कफ निकला तो बाद में उनको छोड़ दिया गया, बोला जाओ घर में तुम आराम करो। उनका इलाज नहीं हुआ मैडम, ऐसा क्यों? कभी लाए थे, कभी पेपर निकाला था, आके बताइए ना। मैंने अभी एक किसी और ने फोन किया था। हाँ मैडम, मैंने कहा कि आप पेपर लेकर आइए और डॉक्टर शिंदे से मिलिए। एक्चुअली मैडम, एक्चुअली क्या है, ये हमारे कलीग हैं, वो मीडिया में है। ये मतलब मीडिया की मदद से वो आदमी को मदद करना चाहते हैं और काफी दिनों से प्रॉब्लम में है। अब ये मैसेज पूरा मीडिया में घूम रहा था। क्या हुआ, अगर कोविड का नहीं होगा तो हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है। अगर कोविड से रिलेटेड कुछ होगा तो हमारे हॉस्पिटल में कोविड, हमारा नॉन कोविड हॉस्पिटल है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ पेपर लेकर आइए, डॉक्टर शिंदे को बताइए क्या है प्रॉब्लम। अगर कोविड का सस्पिशन होगा तो अपने यहाँ पे इलाज नहीं होता है उसका। अच्छा, फिर उसको 7 Hills पर भेजेंगे? फिर उसको आप लोग कहीं भी 7 Hills या कहीं भी भेजेंगे? फिर उसको दूसरी जगह भेजेंगे। हाँ ठीक है मैडम, मैं अभी बात करता हूँ, सामने वाले को बुलाता हूँ, ठीक है? हाँ, थैंक यू। हॉस्पिटल में मिलने के लिए बोलिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना तो मिलने के लिए बोलिए, हम लोग देखते हैं। थैंक यू मैम, ओके। नमस्कार, मैं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। इस वक्त हम VN देसाई हॉस्पिटल के कुछ ही दूरी पर पहले पे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि आज एचएम न्यूज का एक साल पूरा अच्छे से व्यतीत हो गया है, एक साल बेमिसाल। हम आपको कुछ खबर बताने जा रहे हैं। वो खबर ऐसी है कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गोलीबार नामक इलाका है, उस इलाके में मनोज दुबे नाम के व्यक्ति रहते हैं। उनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से उनको रात हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में लाने के बाद उनकी जाँच हुई, जाँच के बाद उनके चेस्ट में कफ पाया गया। तो ये जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल में सर्दी खांसी बुखार और छोटे छोटे बीमारियों का ही इलाज होता है। ये कोरोना के लिए हॉस्पिटल नहीं है। जो कोरोना से संक्रमित जो भी मरीज पाया जाता है उसे दूसरे हॉस्पिटल में भेजने का प्रयास किया जाता है। मनोज दुबे जी को थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलतफहमी हुई, थोड़ा नाराजगी व्यक्त की, मगर ये VN देसाई हॉस्पिटल की सुप्रिंटेंडेंट मैडम ने बहुत ही मदद का काम किया। उन्होंने बोला कि आप पेशेंट को लाइए, अगर कुछ ऐसा रहेगा तो हम मदद करेंगे। सुनील शिंदे नामक डॉक्टर ने भी हमें बुलाया मदद करने के लिए और DMC की तरफ से बहुत अच्छा ही हमें योगदान मिला। मगर मनोज दुबे साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उन्हें ऐसा लगा कि कोरोना से वो संक्रमित है। तो HM न्यूज़ की टीम, हिंद माता मिरर की टीम, स्थानीय सांसद पूनम महाजन जी के कार्यालय से भी उन्हें मदद मिली। अभी उनका जो इलाज है, कोरोना का इलाज, शताब्दी हॉस्पिटल में होगा। शताब्दी हॉस्पिटल में उनको थोड़ी देर मिल जाएगा। एक बार फिर से बता दें आपको कि ये हॉस्पिटल में साफ सफाई, सुरक्षा का खास कर ध्यान रखा जाता है। मनोज दुबे जी का जो इलाज है वो कोरोना का इलाज है और वो शताब्दी हॉस्पिटल में होगा। इस खबर का मुख्य उद्देश्य है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, स्वस्थ रहें, साफ रहें और हाथ को सैनिटाइजर से धोएं। HM न्यूज़ की टीम, हिंद माता मिरर की टीम और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और पूनम महाजन स्थानीय सांसद उनके कार्यालय से मनोज दुबे जी को काफ़ी मदद दी गई है।
ये जो हॉस्पिटल है वी एन देसाई, यहाँ पर छोटी बीमारियों का इलाज होता है, बड़ी बीमारियों के लिए या बड़ी चीज़ के लिए कोरोना से बड़े संक्रमण कीटाणु पाए जाने के लिए दूसरी जगह हॉस्पिटल में इनको लेके जाया। सारा खबर बताने का उद्देश्य ये था कि ये हॉस्पिटल आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ 25,000 से ज़्यादा लोग हैं, उससे भी ज़्यादा लोगों का इलाज वी एन देसाई में होता है। यहाँ के स्टाफ, यहाँ के वर्कर, यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट और तमाम लोग बहुत अच्छा व्यवहार है। कैमरामैन फहीम के साथ अजय शर्मा, एच एम न्यूज़, मुंबई।